खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सोनभद्र के पिपरी में धारदार हथियार से युवक पर हमला किया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार हमला उस वक्त हुआ जब युवक अपने घर में सो रहा था। उसी समय घर में घुसकर धारदार हथियार से युवक पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जाता है कि आपसी विवाद को लेकर युवक के ऊपर हमला किया गया है, जिसके बाद आनन फानन में घायल को स्थानीय लोगों की मदद से हिंडाल्को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए घायल को डॉक्टरों ने वाराणसी को रेफर कर दिया है। घटना सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र के न्यू मार्केट तुर्रा का बताया जा रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। कुछ भैया कुछ बात नहीं हुआ था, सुबह हम लोग आए, वहाँ झाड़ू वाड़ू लगा के आए, लड़का सो रहा था। उसके बाद हम आ गए घर में, ना आने जाने लगे, एक द्वार पे बैठा था। जब देखा हम लोग अंदर चल गए दूसरे घर में, दो जगह घर है मेरा, तब ही गया या वो सो रहा था, सोने में मार के बस चल दिया। कौन मारा था? नवाब। नवाब वहीं का रहने वाला है। हाँ, तो पैसा पैसा।